सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बनाना सीखने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा कार्सिल। तो बिना किसी देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कैनवा में कार्सिल बनाना। तो हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर यार। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगी, क्रिएटर डिज़ाइन पर जाऊँगी, यहाँ पर मैं जाऊँगी कस्टम साइज़ पर जा सकते हो आप। अदरवाइज़ आप यहाँ पर सिंपली क्या सर्च करो, इंस्टाग्राम के लिए। कभी भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहो तो आपको जो है पोर्ट्रेट वाला ही यूज़ करना चाहिए, तो हम पोर्ट्रेट वाला करते हैं। आज के लिए जो है हम एक स्किन केयर से रिलेटेड बनाने वाले हैं, तो लेट्स गो फॉर स्किन केयर ब्राउजल। ओके, अब जो है स्किन केयर के लिए हम लोग पहले एक तो अच्छी सी कलर थीम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तभी मज़ा आएगा हमको बनाने में। तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप ब्रांड पे आओगे तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांड टेम्पलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो ऐड की हो, मैंने तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, ये पुराने थे, और यहाँ से आप सेटअप भी कर सकते हो अगर आपको जो भी अपने ब्रांड्स का डालना हो। तो यहाँ डिज़ाइन पे आ जाओगे दोस्तों आप, उसके बाद स्टाइल्स पे आ जाना। स्टाइल्स पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक फॉन्ट सेट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग एक थो कलर थीम भी सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हम एक कहना चाहिए थोड़ा सा एलिगेंट सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं स्किन केयर से रिलेटेड, तो हम उस प्रकार का ही मैं लेना पसंद करूँगी फॉन्ट भी। तो लेट्स गो विथ दिस वन। ओके, सो वी हैव दिस फॉन्ट्स। ओके, तो हमारे पास ये सेट ऑफ फॉन्ट आ गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, बार बार आना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अब हम एक कलर थीम सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर थीम हम बाद में सिलेक्ट करेंगे, हम फोटोज़ के बेस पे करेंगे। ठीक है, कलर सिलेक्ट पर हमारे फॉन्ट सिलेक्ट हो गए हैं, विच वॉज़ द मेन थिंग। अब हम चलते हैं, एक इमेज चाहिए मुझे, और एक काम करती हूँ मैं सिल्क के लिए सर्च करती हूँ, सिल्क। ऑलराइट, तो हमारे पास वाइट सिल्क में आ गया है कुछ तो भी, और ये मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज कर दूँगी, ये हाफ, और कंट्रोल सी करूँगी अगला पेज, और कंट्रोल वी, इसकी पोजिशन कर देंगे हम। यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो राइट। ठीक है, तो अगर अब आप देखोगे तो ये ऐसा जुड़ा जुड़ा सा लगेगा, ठीक है, एक साथ। ओके, तो ये आखिरी में ऐसे कार्सल के रूप में जाने वाला है, तो हमें सीमलेस कार्सल्स बनाने हैं, तो देखना पड़ेगा कि एक दूसरे से वो मिले जुले रहें, इस कारण हमने वो पोजिशनिंग वाली चीज़ करी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो दिख रहा है, तो हम इसको हल्का सा ब्लर करेंगे दोस्तों। इंटेंसिटी 60 कर देते हैं, एक काम करते हैं, ग्रेट, इसकी भी हम 60 कर देंगे, अमेजिंग, लेट्स गो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली जाएंगे और स्किन केयर के लिए सर्च कर देते हैं, यहाँ पे हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मैंने सर्च कर दिया स्किन केयर के लिए, और आप यहाँ देख सकते हो हमें काफ़ी सारे जो है मॉडल्स की फ़ोटो मिल गई है। तो लेट्स सी हमें क्या चाहिए है फिलहाल के लिए, एक आध अच्छा सा मॉडल सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, लेट्स गो विद दिस वन, और हम लोग जाएंगे एडिट फोटो पे और हम कर देंगे बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, इसके बाद हम इनको इस तरीके से प्लेस करेंगे, पहले फ्लिप करेंगे, ग्रेट, हम जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये आधा इधर आएगा इस प्रकार से, और इसको कॉपी करो फोटो को, यहाँ आ जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको क्रॉप कर दो बिल्कुल वहाँ तक, एज तक, और राइट पोजिशन पे जाओ, लेफ्ट क्लिक कर दो, डन। लेट्स सी, देख सकते हो आप, ग्रेट, अमेजिंग, यस। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, लिखते हैं डार्क इज ब्यूटी। ठीक है, और इसको हम करेंगे इस तरफ अरेंज और इस तरीके से, ऑलराइट, इसकी हम करेंगे कम और हम इसे कर देंगे प्लेस यहाँ पर, ऑलराइट, और हम चाहें तो एक ये ले लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसा प्लेस करेंगे पोजीशन पे जाके, अदरवाइज़ आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी जो है उसे पीछे कर सकते हो, अदरवाइज़ पोजीशन पे जा करके जो आप उसको पीछे कर सकते हो। ठीक है, पीछे कर सकते हो, ऑलराइट, हमने इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, और कलर कर देंगे हम वाइट, और इसका कलर कर देंगे हम ब्राउन, ये जो पीछे पर्पल वाला रेक्टेंगल है ना, इसका इसका कलर कर देंगे हम ब्राउन में, ये वाला ब्राउन, ग्रेट। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, वो खूबसूरत सा लग रहा है, लाइक। अब हम एक लोगो ऐड करेंगे, स्किन केयर लोगो,
अगर ब्रांड का होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है मान लो कि ये इनका लोगो है, हम इसे ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी से कलर्स में, सेम से कलर्स में ऐड कर देंगे। ग्रेट, कूल, ओके। अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कुछ कुछ जो बाकी की डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। ब्रांड का नाम ले लेते हैं कियानो, वाई कियानो, ओके। लेट्स से दिस इज़ द हेडिंग, और बॉडी में जो है हम लिख देंगे कुछ कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। और हम टाइप कर सकते हैं एक्स वाई जी चीज़ें, तो यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पे आपको लॉरियम स्पिम वाला, इप्सम वाला ऑप्शन दिखेगा। अदरवाइज़ आप जो है क्या कर सकते हो, इसको कहाँ से ढूंढ सकते हो, कैनवा का ट्यूटोरियल देखो दोस्तों, चैनल पे है, यहाँ ऐप्स पे जा करके है जो है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और आपको वो जो है मिल जाएगा, ठीक है, दिखाई दिया मैंने, खैर। और यहाँ पर आप वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 30, फॉन्ट साइज 16, तो वो हमें जनरेट करके दे देगा, यहाँ से आप कॉपी कर लो। और बॉडी में क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेट्स से, ग्रेट, ओके, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम यहाँ पर सेंटर में रख देंगे, बहुत ही एलिगेंट से बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और राइट, हमें एक स्वाइप वाला एरो ढूंढना पड़ेगा, तो हम स्वाइप के लिए सर्च कर देते हैं स्वाइप, तो आप इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी इसकी कहना चाहिए थीम को मद्देनज़र रखते हुए, हम बहुत एलिगेंट सा बना रहे हैं, तो हम इस तरीके का कुछ यूज़ करेंगे तो वो जाएगा नहीं, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, स्वाइप वाला एलिमेंट। और इसको जो है हम क्या कर देंगे, ब्राउन कलर कर देंगे, ठीक है, ये कर दें क्या, यही करते हैं, नहीं, वही रहने देते हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, वाई किया ना, उसको थोड़ी सी लाइन स्पेस से कम कर देंगे, लेट्स से, हाँ ठीक है। तो अभी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में हम चाहें तो हम अपनी थीम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, शैडो, शैडो रेक्टेंगल, मेरी बातें पता नहीं ये लोग समझ भी पाते हैं कि नहीं। हाँ, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सर्च फॉर समथिंग एल्स, एक काम करते हैं, प्लेन ही लेते हैं, बाद में हम शेडो ऐड कर देंगे, ढूंढने में टाइम लगेगा, रेक्टेंगल के लिए सर्च करते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, मैं कितनी अति कर रही हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड पे आर टाइप कर सकते हो सिंपली, ओके। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, सिंपल और एकदम पतला सा, यहाँ इस तरीके से, इसकी जो बॉर्डर स्टाइल है वो हम इसकी जो कॉर्नर राउंडिंग है वो बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से, पोजीशन कर दो बैकवर्ड थोड़ी सी, ठीक है, इसको थोड़ा इधर खसकाना पड़ेगा यार, ठीक है ना, अभी ठीक है। अब ये मैंने क्यों ऐड किया है उसका आपको रीज़न समझ में आएगा थोड़ी देर में। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें एक शेडो ऐड करते हैं, क्योंकि कार्सल बना रहे हो तो हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, शेडो को इस तरीके से 90 पे करती हूँ, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐड कर देंगे हम, राइट, शैडो 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 शैडो, यस, ठीक है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, उठा उठा सा, हाँ। अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ अगले पेज पर आके ऑब्वियसली पेस्ट कर देंगे, पर अब क्योंकि आप जानते हैं कि हमने उसको उस तरफ लिया हुआ है और यूज़ किया हुआ है, तो उससे कनेक्टेड दिखने के लिए हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। हम ऐसे हाफ तक इसको लेकर के आ सकते हैं, हाफ से ज़्यादा तक, हाफ से ज़्यादा तक क्या, ऐसे ही लेके आ सकते हैं, अपना ही डिज़ाइन है। और उसके बाद इसे ऐसे कर देंगे, लेट्स से दिस, ठीक है, तो ये चीज़ की तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, एक ही जगह पे आना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही कर दो, एक काम करते हैं इसको, और राइट, अब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसका मकसद, ठीक है, वो एक पेज तरीके का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे आप चाहो तो शेडो ऐड कर सकते हो, मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा है, क्या ही आवश्यकता है, क्यों हम अति करें किसी चीज़ की, ठीक है ना, तो हम नहीं ऐड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ स्किन केयर के आइकन्स डाल देते हैं, स्किन केयर, और उसके आइकन्स डाल देती हूँ मैं दो चार आइकन्स, आइकन्स रहने तो हम एक आध प्रोडक्ट डालते हैं, ठीक है,
ओके वी गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ़ोटो से इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। कुछ कुछ अच्छा मिल जाता है तो खुशी होती है दोस्तों। अब हम इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। हाँ, इसको बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। पोजीशन बैकवर्ड कर सकते हो आप। आप चाहो तो आप इसको छोटा करके ही यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप इसको दोनों पेजेस में ला सकते हो, आपकी समझदारी, आपको जैसे करना हो। मैं सोच रही हूँ कि अति ना करी जाए और इसको एक ही पेज में रखा जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसकी बॉर्डर वॉर्डर शेडो वेडो देना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा शेडो दे देते हैं हम, ग्लो वाला, ठीक है, वाइट कलर का देना पड़ेगा मुझे शेडो। ये साइज हल्का सा कम कर देते हैं, ब्लर अमाउंट भी हल्का सा कम कर देंगे। ग्रेट। ऑलराइट, अब हम बैक आ जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। अब टेक्स्ट भी डालना पड़ेगा दोस्तों, यही टेक्स्ट डालेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरीके से इसकी चाहो तो आप पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है, किसी को क्या ही समझ में आ रहा है। ओके, वी हैव सम पॉइंट्स नाउ। इसका कलर कर देंगे हम वाइट, और वो ज़्यादा वैसे लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के एंटर करके इस तरीके से स्पेस दे करके बुलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक और हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हेडिंग यहाँ पर आते हैं। अरे कहाँ गई हमारी हेडिंग, ये रही। यहाँ पर हम लोग एक बढ़िया सी हेडिंग दे देते हैं दोस्तों, और हम हेडिंग देंगे वाई आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वाई आर प्रोडक्ट्स। और इसके बाद हम इसको भी वाइट कर देंगे। ग्रेट, एलिगेंट। हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा कार्सिल बना लिया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट स्लाइड भी ऐड करते हैं, जिसमें कि हम एक और मॉडल दे सकते हैं, या आप दो स्लाइड्स और ऐड कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। पर मैं सोच रही हूँ मैं एक ही ऐड करती हूँ। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये वाली मॉडल लगाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ओके, लेट्स से इस तरीके से। इसका शैडो देना है क्या, शैडो दे सकते हो आप चाहो तो। ग्लू दे देते हैं हम बिल्कुल साइज कम करके, थोड़ा सा ही ब्लर अमाउंट रख के ऐसे। ग्रेट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और लिंक। इनमें से कोई ऑप्शन ले सकते हो आप चाहो तो, ये हम। और फिर बारीकी वाला काम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपन ब्राउन कलर कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट, जो कि रहेगा www.kiano.in। ठीक है, कूल, वेरी कूल। हम थोड़ा सा इसके बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं इसे, ठीक है। और आप चाहो तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, पर मुझे नीड नहीं लग रही है। हम इसका कलर कर देंगे ब्राउन, इस प्रकार से। काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं। हमने बहुत एलिगेंट सा ही रखा हुआ है इसका, इसका लोगो हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे आखिरी में। और एक आध कोट टाइप की लाइन अगर हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ तो भी छोटा सा, कुछ तो भी रिमूव भी करना पड़ेगा। ग्रेट। और हम इसका कलर कर देंगे क्या, ब्राउन। और हम लोग एक सर्कल लेंगे, सर्कल। और हम क्या करेंगे, इस सर्कल का इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऑब्वियसली, और कुछ इस प्रकार से इसका कलर करेंगे हम लाइट सा, कुछ तो भी। पोजीशन करेंगे टू बैक। और एक और सर्कल लेंगे, वो यहाँ पर लगाएंगे उसे। इसको करेंगे हम हल्का सा डार्क वाला। ग्रेट, ठीक है। और इसके बाद इनका कलर कर देंगे हम ब्लैक कर देते हैं, हमने अति कर दी। और यहाँ पर भी जो है हम ब्लैक कर देंगे इसे। कूल दोस्तों, कूल। हमने जो है हमारा कार्सिल बनाना सीख लिया है,
तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वो दिख रहा होगा। हालांकि अब आप बोलोगे इन दोनों में कुछ संबंध सा नहीं दिख रहा है, ये एक से एक से नहीं लग रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर सिल्क वाला बैकग्राउंड है तो वो ट्राई कर सकते हो। और एक काम करते हैं, कुछ करते ही हैं, उसको भी कनेक्ट ही कर देते हैं। तो लेट्स से यही सिल्क वाला बैकग्राउंड हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको शिट, ये जो है हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं। मैं अच्छा ये पूरे फुल में था, हट थोड़ा देखना पड़ता है दोस्तों। आप यहाँ से लेयर्स के ऑप्शन से जाके भी देख सकते हो। हम इसको पेस्ट करते हैं, पोजीशन कर देंगे हम टू बैक, ओके। और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे वापस, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस तरफ, और ये ग्रेट, ठीक है। तो अब वो कनेक्शन भी थोड़ा सा बिल्ट हो गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि कैसा लग रहा है हमारा प्यारा सा कार्सिल। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल वन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियोस किस बारे में चाहिए है ज़रूर से बताना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।